आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने और खासतौर पर कहे कि अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ गुजरात चुनाव को लेकर बल्कि एमसीडी चुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर बताएंगे कि कैसे एक तरफ अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सभा कर रहे थे उन्हें काले झंडे दिखाए गए और दूसरी तरफ आप देखेंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में ही उलझ गए। एक रिपोर्ट देखिए। हंगामा हो रहा है, बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जनसंवाद कार्यक्रम में कोहराम मच गया। केजरीवाल की जनसभा में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शोर शराबा कर दिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तस्वीरें दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की है। चलिए अब आपको इस हंगामे की वजह बताते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने उनके साथ धोखा किया और उनकी पेंशन पर रोक लगा दी। आपको बता दें अभी केजरीवाल आठ सौ चौरासी महिला कर्मियों को काम से निकाल दिया। सीएम केजरीवाल ने इस हंगामे को बीजेपी की साजिश बताया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी और लफंगई करवा रही है। अगर उन्हें भी बातचीत करनी थी तो शांति से खड़े होकर बात करनी चाहिए थी। गुंडागर्दी से नहीं चलती डेमोक्रेसी। इस तरह से दूसरे की सभा में आके गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत में छिड़े महासंग्राम की हैं। बीजेपी और आप कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दरअसल हंगामा और अफरा तफरी की ये तस्वीर सूरत के सरथाना की हैं। किरण चौक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई तो माहौल गर्म हो गया। जोरदार पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। पत्थरबाजी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता घायल हो गए। भगदड़ मच गई, अफरा तफरी फैल गई। दरअसल सरथाना में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था, तभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और आक्रामक नारेबाजी करने लगे और इसी दौरान दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। हालात जब बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और माहौल शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है लेकिन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में दंगल छिड़ा हुआ है और गुजरात में केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है। यही वजह है कि दोनों तरफ आर पार वाली जंग छिड़ी है। जंग ऐसी है कि दोनों तरफ से सियासी नारेबाजी के साथ साथ तनातनी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।